इफ 5 पावर एक्स प्लस 2 रूट 3 की पावर 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 13 की पावर एक्स, देन द सॉल्यूशन सेट फॉर एक्स इज, चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो एक बड़ी अच्छी सी चीज मिलेगी इस सवाल में। देखिए सॉल्यूशन देखते हैं, मैंने 13 की पावर एक्स को डिनोमिनेटर में लेके चला गया, तो ध्यान से देखो ये यहाँ पर 5 अपॉन 13 की पावर एक्स बन गया, और क्या था ये 12 बनाया जो है ये 2 रूट 3 की पावर 2x को की पावर 2 की पावर x लिख दिया, विच कैन बी रिटन एज 12 की पावर x, राइट। तो 12 की पावर x तो 12 अपॉन 13 की पावर x बन गया। अब आपको नहीं लग रहा है कि ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन गया कुछ, ये 5 अपॉन 13 ऐसा कुछ ट्राइंगल अगर मैं लू राइट एंगल ट्राइंगल, ये 5 आ गया, ये 12 आ गया, ये 13 आ गया, या फिर और अगर ये अल्फा एंगल आ गया, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं ये 5 आ गया, ये 12 आ गया और ये 13 आ गया और ये एंगल अल्फा आ गया, व्हाटएवर, ठीक है ना। साइन अल्फा कॉस अल्फा किसी को भी ले लो, कोई इश्यूज नहीं आ रहे हैं। तो बेसिकली अगर मैंने सॉल्यूशन में कॉस अल्फा को 5/13 लिखा है, तो बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फिगर, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ तो साइन अल्फा की वैल्यू है 5/13, ठीक है ना। तो दिस इज द फिगर वी आर टॉकिंग अबाउट। तो ये बेसिकली कॉस अल्फा की पावर एक्स प्लस साइन अल्फा की पावर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ गया। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 1 होती है, तो इक्वालिटी होल्ड करेगी। इक्वालिटी होल्ड करेगी किसके लिए? इक्वालिटी होल्ड करेगी फॉर ओनली फॉर एक्स इक्वल टू 2, क्योंकि क्योंकि एक्स इक्वल टू 2 के बाद तो, और ये ध्यान से देखो ये LHS है, मैंने कहा दिस वन इज LHS एंड दिस वन इज RHS, आराम से सुनिएगा मेरी बात को, LHS और RHS, तो RHS की वैल्यू 1 आ रही है, यानी ये रहा लेटस से, और अभी एक लाइन लिखी है कि जो LHS के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, LHS यानी cos अल्फा की पावर x प्लस sin अल्फा की पावर x, आप अपने आप सोच करके देखें, जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा, ये जो y माना अगर इसे, तो ये y घटता जाएगा कि नहीं जाएगा, आप अपने आप सोच के देखें, क्यों घटता जाएगा, क्योंकि x बढ़ेगा और हमें हमें मालूम है cos अल्फा या sin अल्फा की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में है, तो वो वैल्यू जो 1 से छोटी है, x बढ़ेगा तो कोई नंबर जिसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में, उसकी वैल्यू अगर पावर बढ़ाते जाते हैं तो वैल्यू घटती चली जाती है, तो y घटेगा उस हिसाब से, तो y घट रहा है, तो इसका मतलब हमें तो ये LHS जो है, what we want, LHS is greater than or equal to RHS चाहिए, ये तभी होगा जब x की वैल्यू less than or equal to 2 होगी, क्योंकि 2 पर इक्वालिटी आ रही है, 2 पर इक्वालिटी आ रही है, उससे पीछे जाऊंगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं x की वैल्यू 1 मानूं, तो ये साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा बनेगा, आप अपने आप सोच करके देखें, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा बनेगा, तो बेसिकली ये 5/13 प्लस 12/13 यानी 17/13 बन जाएगा ये, तो ये 17/13 ऑब्वियसली 1 से बड़ा है, ये इनइक्वालिटी होल्ड ट्रू हो रही है, इक्वालिटी छोड़ दो, तो इसका मतलब हमारा आंसर x बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी से लेकर के 2 रहेगा, which implies the option number C as correct.